नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं काइमंस के बारे में। पर ये एक प्रकार के मगरमच्छ ही हैं और ये काइमंस मैक्सिको और मध्य और दक्षिण अमेरिकी दलदलों से लेकर मैंग्रोव नदियों और झीलों तक पाए जाते हैं और इनकी त्वचा पपड़ीदार होती है और वे काफ़ी रात्रिचर जीवन जीते हैं। वे अपेक्षाकृत छोटे आकार के मगरमच्छ होते हैं जिनका वजन 6 से 40 किलोग्राम तक होता है और फीमेल काइमंस एक बार में 10 से 50 तक अंडे देती हैं जो लगभग 6 सप्ताह के भीतर फूट जाते हैं और ब्लैक काइमन इसमें अपवाद है, 4 मीटर से अधिक लंबा हो जाता है और ब्लैक काइमन दुनिया की सबसे बड़ी काइमन प्रजाति है और अमेजन बेसिन के आसपास धीमी गति से बहने वाली नदियों और झीलों में पाई जाती है। और सबसे छोटी प्रजाति ड्वार्फ काइमन है जो 1.5 मीटर तक लंबा होता है और अधिकांश अन्य कैमन प्रजातियां 2 से 2.5 मीटर तक लंबी होती हैं और इनके दांत लंबे और मगरमच्छों की तुलना में तेज़ होते हैं और ये मगरमच्छों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होते हैं।